हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा शर्मा और आज हम बात करेंगे टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स की क्वेरीज आती हैं कि टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसके बारे में आप लोगों ने हमसे पूछा है। तो आज फ्रेंड्स चलिए टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर के बारे में डिस्कस करते हैं और ये पता लगाते हैं कि ये कैसे होता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। चलिए आगे के वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, टीथ वाइटनिंग एक कॉस्मेटिक डेंटल प्रोसीजर है जिससे हम आपके दांतों के ऊपर लगे हुए स्टेन्स यानी किसी भी तरह के दाग धब्बे को निकालकर आपके दांतों का जो ओरिजिनल शेड है उसको रिस्टोर करते हैं। यानी हम आपके करंट शेड से एक या दो शेड लाइट आपके दांतों को कर सकते हैं टीथ वाइटनिंग ट्रीटमेंट से। क्योंकि फ्रेंड्स, लेटेस्ट डेंटल टेक्निक्स और एडवांसमेंट्स की वजह से हमारे पास आजकल बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे आप ये टीथ वाइटनिंग का कॉस्मेटिक प्रोसीजर ले सकते हैं और डेफिनेटली इसकी हेल्प से आप अपनी स्माइल को फ्लॉन्ट कर सकते हैं और एक हेल्दी स्माइल और एक ब्राइटर टीथ को अवेल कर सकते हैं इस ट्रीटमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं कि टीथ वाइटनिंग है क्या। एक्चुअली टीथ वाइटनिंग एक डेंटल प्रोसीजर है जिससे हम आपके दांतों के ऊपर लगे हुए दाग धब्बे स्टेन्स वगैरह को रिमूव करके आपके दांतों का जो ओरिजिनल शेड है उसे रिस्टोर करते हैं और इवन बहुत बार आपके ओरिजिनल शेड से एक या दो शेड लाइटर शेड भी आपके दांतों को दे सकते हैं, जिससे नो डाउट नेचुरली आपके दांतों की जो स्माइल है वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है और आपके दांतों में एक अलग ही चमक आ जाती है और आपके दांत बहुत ही हेल्दी लगने लगते हैं, आपकी स्माइल बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि ये प्रोसीजर आप कैसे अपने डेंटिस्ट से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम ये जानें कि प्रोसीजर क्या है, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत बार आपके दांतों पर ये स्टेन्स कैसे और क्यों आ जाते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार क्या होता है, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं चाय, कॉफ़ी, कोलास, पिगमेंटेड और आर्टिफिशियली कलर्ड जूसेस का, तो इस वजह से हमारे दांतों पे ग्रेजुअली हल्की सी ब्राउनिश रेडिश स्टेन्स आने लगती हैं। डे टू डे लाइफ में अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे कलरफुल ड्रिंक्स का तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो पान सुपारी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो अपने दांतों पर एक लेयर, एक पिगमेंटेशन डिस्कलरेशन छोड़ के जाते हैं। अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं या फिर आप पान मसाला च्यू करते हैं तो डेफिनेटली आपके दांतों पे बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर के स्टेन्स भी आ सकते हैं जो कि देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं और आपकी स्माइल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, अट्रैक्टिव नहीं लगती है। फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, कुछ मेडिकामेंट्स हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, वो भी दांतों में स्टेन्स छोड़ता है। और इसके अलावा अगर ग्रोइंग एज में आपके दांतों को किसी प्रकार की चोट पहुंची हो तो ये डेंटल ट्रॉमा आपके दांतों में डिस्कलरेशन पैदा कर सकता है। जो दांत आपके परमानेंट इरप्ट होते हैं उनमें डिस्कलरेशन पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके दांतों में स्टेनिंग होती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ये देखा गया है कि जो दांतों की ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर है जिसे हम इनेमल के नाम से जानते हैं, ये ग्रेजुअली थिन यानी कि उसकी परत पतली होने लगती है। जैसे जैसे इनेमल पतला होता है आपके अंदर के दांत का जो सेकेंड लेयर है डेंटीन वो एक्सपोज होने लगती है, तो हमें दांतों के पीलेपन का या डलनेस का या स्टेन्स का एहसास होने लगता है। और इसके साथ साथ एजिंग के साथ जो हमारी फूड हैबिट्स हैं उनके स्टेन्स बहुत ही प्रोमिनेंट होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में आप डेफिनेटली डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं इससे एसोसिएटेड रिस्क के बारे में। डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट इज़ नॉट अ वेरी रिस्की प्रोसीजर, बट हाँ, ये आपको थोड़ा सा सेंसिटिविटी यानी कुछ दिन तक ठंडा और गर्म लगने की शिकायत आपको रह सकती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत आपको गम या मसूड़ों में इरिटेशन रह सकती है। ये प्रोसीजर हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में एडवाइस नहीं करते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपको पता चला होगा कि डेंटल वाइटनिंग ट्रीटमेंट कौन कौन ले सकता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड इन फॉर अ फर्दर वीडियोज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर योर डेंटल हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।